कुमार ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फाइज मुदस्सी के पास आता है। मुदस्सी से कहता है कि वो मुझसे डिवोर्स मांग रही है लेकिन मैं उसे डिवोर्स नहीं देना चाहता, अगर मैं उसे डिवोर्स दे दूं तो वो आपसे शादी कर लेगी, क्या आप उसे अपनाएंगे। तब मुदस्सी फाइज से कहते हैं कि तुमने जो उसके साथ किया है वो कोई भी लड़की अपने किरदार पर इतना बड़ा दाग बर्दाश्त नहीं करेगी, तो वो तुम्हारे साथ क्यों रहे। तो हरीम भी वहीं पर आ जाती है और हरीम तमाम बातें सुन लेती है और फाइज से कहती है कि तुम बार बार मेरे सामने क्यों आते हो, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, तुम्हारी वजह से मेरे किरदार पर शक हुआ, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी औलाद को खो दिया, तुम बार बार मेरे सामने क्यों आते हो, तुम यहाँ से चले जाओ। और रही बात मेरी और तुम्हारी डिवोर्स होने के बाद, मैं जिससे भी शादी करूँ इससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर सकती हूँ, अब मैं तुम्हारे ऊपर अपनी ज़िंदगी का फैसला नहीं छोड़ूंगी। तुमने पहले मेरा हाथ थाम कर सिर्फ और सिर्फ गलती की है और तुमने अपने घर वालों की बातों में आकर अब तुमने दूसरी बड़ी गलती की और मैं अब ये गलती दोहराना नहीं चाहती, तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती फाइज, यही तुम्हारी सज़ा है और मेरी भी सज़ा है, क्योंकि मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत की, तुमसे तुम पर यकीन किया लेकिन तुम मेरे यकीन के काबिल ही नहीं थे। तो व्यूअर्स आपको लगता है कि फाइज और हरीम की डिवोर्स हो जाएगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।